हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने जिंदगी में। तो आज हम एरे के एक छोटे से प्रोग्रामिंग को करने वाले हैं और इस प्रोग्रामिंग को हम एरे के अलावा स्ट्रिंग भी यहां पर यूज होगा इस प्रोग्रामिंग में। तो टोटल अगर बात किया जाए तो ये प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है according to your examination's point of view. So without wasting our time, let's start. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Write a program to store name of 20 students and their telephone numbers correspondingly into two dimensional arrays. Means what? Means you have to enter the name of 20 students with their telephone numbers in two different single dimensional arrays and enter name separately and search it in the given list of names. आपको एक नाम अलग से एंटर करना है और वो नाम आपको सर्च करना है कि हमारा जो लिस्ट है एरे का उस पे वो नाम है या नहीं। अगर वो नाम उस एरे के लिस्ट में है देन आपको उस नाम के साथ साथ उस नाम का जो टेलीफोन नंबर होगा उसे भी आपको डिस्प्ले करना होगा। अगर ऐसा होता है कि नाम हमारे लिस्ट में नहीं है देन क्या करेंगे, तो हमें एक डिस्प्ले करना होगा मैसेज जिसमें लिखा होगा नेम नॉट फाउंड। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए यानी कि सर्चिंग प्रोसेस को करने के लिए हमें यूज करने के लिए कहा गया है लीनियर सर्च टेक्निक। ये एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20 स्टूडेंट्स के लिए नेम और टेलीफोन नंबर का दो डिफरेंट एरे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेम के लिए एक स्ट्रिंग टाइप का एरे। सो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं स्ट्रिंग नेम। All right, and इसे क्रिएट करेंगे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और हमारा जो मेमोरी का साइज है दैट इज 20। All right, दूसरा हमें लेना होगा एक और एरे वेरिएबल जिसमें हम उस नाम का टेलीफोन नंबर स्टोर करेंगे। तो टेलीफोन नंबर काफी लंबा होता है, 10 डिजिट्स के होते हैं, तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे। सपोज इसका वेरिएबल का नाम लेते हैं नंबर इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग 20। दैट्स इट, हमने दो एरे को क्रिएट किया, उनके मेमोरी को एलोकेट किया। यस, इसका मतलब क्या है कि नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है और उसके 20 मेमोरी भी क्रिएट हो चुके हैं, इन द सेम वे नंबर भी क्रिएट हुआ है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में हमें बारी बारी से नाम और टेलीफोन नंबर स्टोर करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा लूप यूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि किसी भी एरे में अगर एलिमेंट्स स्टोर करने होते हैं तो मुझे एक लूप का यूज करना होता है। तो चलिए यहां लूप का यूज करते हैं। फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 20, आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम एक मैसेज यूजर को देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कैलकुलेटर नंबर एंटर नेम 1/1। एक एक करके नाम एंटर किया जाए। तो नेम के लिए हमने नेम नाम का वेरिएबल लिया है, तो मैं लिखूंगा name of I is equal to sc dot next। next जो होता है वो string values को enter करने के लिए होता है। इसके बाद again एक मैं message देने वाला हूँ, इसमें लिखूंगा system dot out dot print enter telephone number 1/1। अच्छा, तो इसके लिए हमने नंबर नाम का वेरिएबल लिया है, नंबर आई
नंबर जो है वो लॉन्ग डेटा टाइप वाला वेरिएबल है, इसीलिए मैं लिखूंगा एससी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। तो यहां पर हमने एरे क्रिएट कर लिया, उसमें एलिमेंट्स को स्टोर भी कर दिया। अब क्या कहा है कि एंटर अ नेम सेपरेटली एंड सर्च इट इन द गिवन लिस्ट ऑफ नेम। अब मुझे यूजर से एक नेम लेना है जिसे मुझे सर्च करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा। मैसेज में लिखा रहेगा, देखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यूजर का मैसेज आएगा इंटर द नेम टू बी सर्च, जिसे आपको सर्च करना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, यहां पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे। सपोज हम एन नाम का वेरिएबल लेते हैं, एन के अंदर में हम वो नाम को स्टोर करवाने वाले हैं जिसको मुझे सर्च करना है, एससी डॉट नेक्स्ट। ऑलराइट, इसके बाद जो होगा हम यूज करेंगे अपने सर्चिंग टेक्निक को, लीनियर सर्च टेक्निक को, इस नेम को इस लिस्ट में सर्च करने के लिए। उसके लिए हम यहां पर एक लूप यूज करने वाले हैं, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 20 एंड आई प्लस प्लस। तो हम लोग लीनियर सर्च में करते क्या है, हर एक एलिमेंट को एक एक करके, सर्चिंग एलिमेंट जो होता है उससे हम हर एक एलिमेंट को एक एक करके कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो सर्चिंग एलिमेंट है ये कोई नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं, दो स्ट्रिंग वैल्यू को जब कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग में, मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, वीडियोस आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, तो आपको वहां पता चलेगा कि दो अलग अलग स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम इक्वल्स नाम का एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो वही इक्वल्स नाम का फंक्शन हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां हम लिखने वाले हैं इफ नेम ऑफ आई डॉट इक्वल्स, ब्रैकेट में होगा वो वेरिएबल जिसको मुझे सर्च करना था एन। ऑल राइट, तो यहां तक हो गया हमारा कंडीशन, में डाल दिया कि नेम ऑफ आई, यानी कि नेम नाम का जो मेरा एरे वेरिएबल है उसके आई नंबर इंडेक्स, आई का वैल्यू जो भी होगा, जब आई का वैल्यू जीरो होगा तो जीरो नंबर इंडेक्स को जो नाम मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे अपने सर्चिंग एलिमेंट के साथ। अगर दोनों इक्वल हुआ तो फिर सही है। तो अंदर में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल हम सबसे पहले यहां ले लेंगे, एक वेरिएबल हमें सबसे टॉप पे लेना होगा, चाहे यहां ले ले चाहे वहां ले ले, आप कहीं भी ले सकते हैं, मैं यहां पर ले रहा हूं एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का के इक्वल टू जीरो, और एक वेरिएबल लूंगा ए। ऑलराइट, तो k इक्वल टू जीरो, k इज यूज फॉर इंडिकेटर, इसका यूज करते हैं इंडिकेटर के तौर पर। अगर यहां पर हम k का वैल्यू जीरो लिए हैं, तो अगर यहां पर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम k के वैल्यू को वन कर देंगे, सिंपल। ठीक है, k का वैल्यू जब जीरो है इसका मतलब मेरा सर्च एलिमेंट नहीं मिला है। k का वैल्यू जैसे ही वन हो जाएगा तो समझ जाना है कि हमारा सर्चिंग एलिमेंट है वो मिल चुका है। ऑलराइट, इसके बाद हम जो a नाम का वेरिएबल लिए हैं, उस a नाम के वेरिएबल के अंदर में हम i का वैल्यू को स्टोर कर देंगे, यानी कि वो i का वैल्यू जिस पोजीशन पर हमारा नेम जो है इक्वल हुआ है, उस i के वैल्यू को हम a के अंदर में स्टोर कर लेंगे। और x के साथ ही साथ एक स्ट्रिंग वैल्यू भी लेंगे हम, स्ट्रिंग b इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है, और यहां हम लिख देंगे b इक्वल टू नेम ऑफ i, दैट्स इट, इतना हमारा काम है। इसके बाद क्या करेंगे, इस लूप के बाहर इफ k डबल इक्वल टू वन, तो अंदर में एक मैसेज डिस्प्ले होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां लिखेंगे द नेम इज प्लस, मेरा जो नाम है जिस नाम को हम सर्च कर रहे थे उसको मैंने बी में स्टोर किया है, तो बी, और इसके बाद हम लिखेंगे एंड द टेलीफोन
नंबर इज प्लस, वो मेरा प्रेजेंट है ए, ए नाम का जो इंडेक्स है यहां प्रेजेंट, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ ए, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं होता है दैट मींस कि मेरा के का वैल्यू अभी भी जीरो ही है, तो हम यहां पर डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम नॉट फाउंड, एंड हमारा काम यहां पर ओवर हो जाता है। तो अब हम इस प्रोग्रामिंग को ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि हर एक स्टेप पर कौन सा वर्क हो रहा है। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखने वाला है कि कुछ वेरिएबल्स हमने बाद में लिया है, k इक्वल टू जीरो और a जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है b इक्वल टू डबल कोट्स देखे हमने स्पेस देखे छोड़ दिया है। खैर उसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि दो एरे क्रिएट किया हमने 20 एलिमेंट्स के लिए, तो फिलहाल हम 20 एलिमेंट्स के लिए एरे नहीं क्रिएट करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं पांच ही एलिमेंट के लिए एरे क्रिएट करते हैं, तो मैं यहां पर एरे क्रिएट करता हूं। सपोज कर ले कि हाँ मेरे पास पांच ही एलिमेंट के लिए एरे क्रिएट किए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नेम नाम का एरे है, ठीक है। और इसके बाद एक और हमारे पास नंबर नाम का एरे है, तो मैं उसे यहां लिखता हूं नंबर, और इसे मैं क्रिएट कर लेता हूं 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर 5 एलिमेंट क्रिएट किया है मैंने, तो इसको जरूरत नहीं है, 4 तक होगा। ऑलराइट, हमने दो एरे क्रिएट कर लिया, इसके बाद यहां पर एलिमेंट्स को स्टोर किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लो कुछ भी ले लेते हैं, ए बी नाम ले लेते हैं, एक्स वाई नाम ले लेते हैं, पी क्यू नाम ले लेते हैं, बी सी नाम ले लेते हैं, आर सी डी नाम ले लेते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। फिलहाल हम ए बी एक्स वाई पी क्यू ले रहे हैं, आप खुद से जब इसको रन करिएगा तो कुछ प्रॉपर नेम लीजिएगा। और नंबर जो है यहाँ पर हम कुछ भी लेते हैं, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ऑलराइट, तो इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक वेरिएबल है n नाम का, जहां मुझे ये लेना है कि कौन सा नाम आपको सर्च करना है। तो उसके लिए भी हम ले लेते हैं हमारा सर्चिंग एलिमेंट, तो सर्चिंग एलिमेंट हमारा n है, n इक्वल टू सपोज कर लो हम ले लेते हैं x y, मुझे x y नाम का नाम जो है वो सर्च करना है, ठीक है, ये काम ओवर। अब हमारा आता है लूप के पास, i इक्वल टू जीरो, सिंस यहां हमारे पास सिर्फ पांच ही एलिमेंट है तो यहां पर 20 तक ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये 5 तक ही एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहां 5 एलिमेंट लिया है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होए, यहां पर 20 ही है लेकिन हम लोग चूंकि 5 एलिमेंट को लेके एग्जांपल बता रहे हैं इसीलिए हमने 5 लिखा है। ऑलराइट, तो एट द इनिशियल टाइम आई का वैल्यू जब 0 होगा तो नेम ऑफ 0, तो क्या होगा नेम ऑफ 0 डॉट इक्वल्स, और n के अंदर में क्या है एक्स वाई। तो भाई नेम ऑफ जीरो में क्या है, नेम नाम का वेरिएबल में जीरो नंबर इंडेक्स पे क्या है, जीरो नंबर पे है ए बी, तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल है, ऑब्वियस सी बात नहीं है। तो फिर मेरा ये जो अंदर में लिखा हुआ है k इक्वल टू 1, a इक्वल टू i, b इक्वल टू नेम, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा i प्लस प्लस के पास, तो i का वैल्यू हो जाएगा 0 से 1। तो यहां पर हमारा दोबारा चेक होगा कि क्या नेम ऑफ वन, नेम वेरिएबल है, वन नंबर इंडेक्स है, क्या इसमें प्रेजेंट एलिमेंट एक्स वाई के बराबर है। तो नेम ऑफ वन में क्या प्रेजेंट है सर, तो नेम ऑफ वन में प्रेजेंट है एक्स वाई, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी एक्स वाई है, यहां पर भी एक्स वाई है, दोनों इक्वल है, और दोनों अगर इक्वल होता है तो क्या होगा, ये जो अंदर का स्टेटमेंट है इफ के अंदर में सब एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए k का वैल्यू 1। चलिए k का वैल्यू 1, शुरू में k का वैल्यू 0 था, अब हम k का वैल्यू 1 कर लिए हैं, और a इक्वल टू i,
a इक्वल टू i, i का वैल्यू कितना है 1, तो a के अंदर में 1 आ गया। और b इक्वल टू नेम ऑफ, क्या लिखा मैंने, i, i का वैल्यू 1 है तो यहां पर 1, इतना सारा वैल्यू हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस लूप के बाहर निकलेंगे क्योंकि हमारा तो काम ओवर हो चुका है, इसके बाद फर्दर और सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आएंगे इस लूप के बाहर। लूप के बाहर क्या है, इफ k डबल इक्वल टू 1, तो क्या k का वैल्यू 1 है, ऑब्वियस सी बात है k का वैल्यू जो है वो 1 है और 1 डबल इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ और हम इस इफ के अंदर में आ गए। इफ के अंदर में क्या है, द नेम इज, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर कि द नेम इज, ये मैसेज है डबल कोट्स के अंदर में है, वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, एक वेरिएबल है b, b मतलब क्या है, b मतलब है नेम ऑफ वन, नेम ऑफ वन में क्या है सर, एक्स वाई है, तो पहले एक्स वाई प्रिंट होगा, फिर क्या है एंड, फिर एक मैसेज आ गई, हमारे पास मैसेज है एंड द टेलीफोन नंबर इज, तो फिर से इसके बाद एंड द टेलीफोन नंबर इज, फिर क्या होगा नंबर ऑफ a, तो नंबर ऑफ a, a का वैल्यू कितना है 1, तो नंबर ऑफ 1 में कितना है 200, तो इसका मतलब कि जो मेरा एक्स वाई नाम है उसका टेलीफोन नंबर कितना है 200 है, तो दोनों साथ साथ डिस्प्ले हो गया। आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आया होगा, अगर कोई कंफ्यूजन आपको मिलता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, डेफिनेटली हम इसी क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी प्रोग्रामिंग को हम ब्लूजे के हेल्प से देखने वाले हैं कि ब्लूजे में इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये किस तरह का एग्जीक्यूशन हमें दिखाएगा। अब हमें करना क्या है, एक नया क्लास क्रिएट करना होगा और उस क्लास का नाम हम क्या रखने वाले हैं, उस क्लास का नाम रखने वाले हैं नंबर सर्च या फिर नेम सर्च, आपको जो मन, मैं यहाँ पर देने वाला हूँ नेम सर्च, एस ई ए आर सी एच, आप फिर ओके। हमारा जो ये क्लास है क्रिएट हो चुका है, मैं डबल क्लिक करूँगा और इसे ओपन करूँगा डेफिनेटली, और फिर कंट्रोल ए एंड बैक स्पेस, इसके बाद हमारा काम होगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, बहुत जगह पर क्या होता है कि स्कैनर के जगह पर एस्ट्रिक यूज किया जाता है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्लास नेम सर्च राइट पब्लिक स्टैटिक void main string args all right, and इसके बाद हमारा काम होगा scanner sc is equal to new scanner very good system dot in all right। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक array create करेंगे, array का type होगा string, string नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड इसका वैल्यू हम देते हैं 20, बहुत ज़्यादा नंबर मुझे एंटर करना पड़ेगा तो मैं फिलहाल इसको 5 लेके करता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में 20 बोला है तो आप एग्जाम में अगर आता है तो 20 ही करिएगा, प्रैक्टिकल करने वाले हैं समझने वाले हैं इसीलिए छोटा वैल्यू ले रहा हूँ ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए। एंड इसके बाद इसका नंबर्स टेलीफोन नंबर, तो उसके लिए मैं लॉन्ग टाइप का वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग और इसका साइज मैं दूंगा 5। ऑलराइट, यहाँ तक हो गया हमारा काम। इसके बाद एक हम यूज करने वाले हैं लूप फॉर एंड आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद हम अंदर में एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज ये होगा इंटर नेम 1 by 1 ऑल राइट, और इसके बाद हमारा होगा नेम ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट दैट्स इट, और इसके बाद सेव हमारा एक नंबर भी एंटर करना होगा टेलीफोन नंबर, तो उसके लिए मैं यहां से कॉपी करता हूं इसे और यहां पेस्ट करूंगा इंटर टेलीफोन नंबर 1 by 1, तो मैं नंबर के लिए तो लिया हूं नंबर नाम का वेरिएबल, तो मैं यहां नंबर कर दूंगा
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, दैट्स इट, हमने एंटर कर लिया। अब क्या होगा, हमें यूजर को बोलना होगा कि वो नाम मुझे बताओ जिसे मुझे सर्च करना है। तो उसके लिए एक मैसेज जाएगा यूजर के पास कि इंटर द नेम टू बी सर्च, नॉट डर्च, इट्स सर्च, यस। और इसके लिए एक स्ट्रिंग टाइप का ले लेंगे, एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो यहां तक हमारा काम हो गया, ओवर, हमने नाम भी एंटर करवा लिया। इसके बाद हमारा यूजर का फॉर लूप, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, ऑल राइट। इसके बाद इसके अंदर में होगा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट, दैट इज नेम ऑफ आई डॉट इक्वल्स, एंड इसके अंदर में होगा एन जो कि मेरा सर्चिंग एलिमेंट है। और इसके अंदर में हमें कुछ करना होगा, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लेने हैं, जैसे कि इंटीजर के इक्वल टू जीरो कोमा बी, ये दोनों होगी हमारा। और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना है, यहाँ मैं ले लेता हूँ इंटीजर में ए ले लेता हूँ, और यहाँ पर ले लूँगा बी इक्वल टू डबल कोट्स। तो ये हो गया मेरा कुछ वेरिएबल्स लेने थे। तो मैं अगर देखता हूँ कि यहाँ पर ये वाला सही होता है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, k का वैल्यू 1 होना चाहिए, और साथ ही साथ a इक्वल टू i होना चाहिए, एंड लास्ट में b इज इक्वल टू नेम ऑफ i, दैट्स इट। इसके बाद बाहर में हम चेक करेंगे कि if k डबल इक्वल टू 1 देन क्या होगा। अंदर में एक मैसेज डिस्प्ले होने वाला है जहां पर मैं ये लिखूंगा कि द नेम इज प्लस, नेम किसके अंदर में है, बी के अंदर में है, फिर होगा प्लस डबल कोट्स एंड टेलीफोन नंबर इज प्लस, हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ए, That's it। इसके बाद होगा एल्स, और यहां पर भी मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा कि नंबर नॉट फाउंड, नंबर नहीं, नेम नॉट फाउंड, That's it। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक एरर दिखा रहा है, because variable a might not have been initialized, a को initialize करने बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर a को initialize कर देते हैं, a equal to zero कर देते हैं, that's it। I hope आपको error नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं है, no syntax error। और मैं इसको अभी compile कर लिया और इसको run करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास message आ रहा है enter name one by one Amit एंड इंटर टेलीफोन नंबर 1 by 1। तो चलो ज़्यादा 100 मान लो, इंटर नेम 1 by 1 सुमित, एंड इसका टेलीफोन नंबर 200, सपोज कर लेते हैं आप कुछ और भी नंबर ले सकते हो, अंकित 300, और एक ले लेते हैं अजय 400, और ले लेते हैं कुमार, और इसका ले लेते हैं 500। All right। Now enter the name to be search। तो मुझे सर्च करना है अंकित को, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है द नेम इज अंकित एंड टेलीफोन नंबर इज 300। ऑब्वियसली बात है अंकित का जो टेलीफोन नंबर है वो 300 है, और अंकित इसमें प्रेजेंट है बोल के ही ये नंबर को, ये मैसेज को डिस्प्ले किया है। अगर मान लो अब ऐसा कुछ नेम ले लेते जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तब क्या दिखाता, बिल्कुल तब दिखाता नेम नॉट फाउंड। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसका ड्राई रन हमने व्हाइट बोर्ड में समझा, और इसका जो एग्जीक्यूशन है इसे हमने ब्लूजे में समझा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।